हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है चल रहा है हमारा अभी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हमारा एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। इसमें टोटल 74 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इकाई क्या होता है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इकाई होता है ओम सेंटीमीटर। क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। कल हम लोगों ने देखा था विशिष्ट कंडक्टेंस यानी चालकता का इकाई, और अभी हम लोग देख रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई, यह है ओम सेंटीमीटर। किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। जब एक विद्युत हीटर को 320 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो वह 7.5 एम्पेयर विद्युत धारा लेता है। उसके एलिमेंट का प्रतिरोध कितना होता है? देखो, रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, जो ओम्स लॉ है, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो ओम्स लॉ के द्वारा। वी इक्वल टू आई आर, बस यही आपको याद रखना है, वी इक्वल टू आई आर। एक रिलेशन अगर आपको पता है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो वी इक्वल टू आई आर, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि एक विद्युत हीटर है, वह 230 वोल्ट पे, क्या है, 230 मेन वोल्ट सप्लाई इसमें किया जाता है, और 7.5 एम्पेयर विद्युत धारा वो लेता है, यानी वी 230 हो गया आपका, 230 वी इक्वल टू 7.5 इंटू आर। सिंपल सा केस है, आर यहाँ से आपका आर निकल जाएगा। आर क्या हो जाएगा? 230 बाय 7.5। जब आप 230 बाय 7.5 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.67, ठीक है। 30.666 ऐसे करके आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ करोगे 30.67 एम्पेयर, सॉरी ओम, 30.67 ओम, ये होगा इसका रेजिस्टेंस। बस रिलेशन आपको एक ही याद रखना है, वी इक्वल टू आई आर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी से बन जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट और आपको रेजिस्टेंस में रिलेशन जहाँ पे भी दिया रहेगा, ठीक है। एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट बैटरी से प्रचालित की जाती है। यदि मोटर कॉइल का प्रतिरोध 4.5 ओम हो तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? अब आपको करंट निकालना है, आप यहाँ पे भी वही जानते हो, वी इक्वल टू आई आर, बस एक ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, वी इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे आपको वोल्ट दिया हुआ है 6, ठीक है। उसके बाद इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी आई नहीं दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4.5 ओम। अब यहाँ से आई आपका क्या निकल जाएगा? आई निकल जाएगा, जब आई में आप भाग दोगे तो क्या निकलेगा, 6/4.5 ये निकलेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 1.33 एम्पेयर, ठीक है। यहाँ से देखो पॉइंट हटाओगे तो 60, यानी आपका ये आ जाएगा 4/3, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.33 एम्पेयर आपका आएगा, सही आंसर होगा सी, ठीक है। इजी है, बहुत टफ नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। 100 मीटर लंबे 1.07 सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले तांबे के तार का कुल प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 माइक्रो ओम है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा आपको एक कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या आप पहले डाटा है वो आप देख लो, क्या है कि 100 मीटर लंबा और 1.07 सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्र, कटाक्ष क्षेत्र यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोला जा रहा है कि एक तार है जो 100 सेंटीमीटर लंबा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके थ्रू होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, और इसका तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, वह है 1.72। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा।
अब देखो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हो, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर दिया हो, मान लो इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हो एस, तब आपका एक रिलेशन होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वो याद रखना है, एक रिलेशन होता है कि आर इक्वल टू एस इंटू एल बटा एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखो, ठीक है, आर इक्वल टू एस इंटू एल अपॉन एरिया। अब देखो जो डाटा हम लोग को दिया हुआ है अगर उससे अभी कंपेयर करो तो आर आपका हो गया टोटल रेजिस्टेंस जो आपको निकालना है, एस हो गया क्रॉस सेक्शन, सॉरी एस हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल हो गया जो तार की लंबाई है, और ए हो गया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है और एक आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब दूसरा बात जो आपको यहाँ से याद रखना है वो कि यूनिट जो है वह सिमिलर होना चाहिए, यानी एक ही फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर कोई सेंटीमीटर में है कोई मीटर में है तो आपको फिर सबको कन्वर्ट करके एक साथ एक जगह में लाना होगा, ठीक है। देखो इसका जो भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, सॉरी ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, उसमें से मेन आपका एक जो आधा टाइम जाता है वो यही जाता है कि यूनिट सेम रहना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो छोटा सा चीज़ है लेकिन याद नहीं रहता है इस चीज़ का, आपको जो डाटा देता है आप उसको बस रॉ डाटा यूज़ करते हो, फिर अपना आंसर निकालने का कोशिश करते हो, उससे गलती हो जाता है। तो यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, और लंबाई जो है वह है आपका 100 मीटर है ना, तो माइक्रो ओम सेंटीमीटर है, तो अगर आप इसको सिर्फ सेंटीमीटर में बदलोगे तो आपको सबसे पहले क्या बदलना पड़ेगा, माइक्रो को बदलना पड़ेगा, माइक्रो क्या आता है 10^-6, यहाँ पे 10^-6 सेंटीमीटर, 10^-6 हो जाएगा, ये हो गया आपका माइक्रो सेंटी ओम सेंटीमीटर जो था, अब आपका सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर में आ गया, अब आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिल गया है। अब इसका लंबाई जो है वह कितना था, लंबाई था 100 मीटर, 100 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 100 था, इस पर 20 और आ जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर हो गया, अपॉन अब अपॉन आपका क्या था क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एरिया क्या दिया हुआ है 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सही है 1.07। अब आपका सारा एक यूनिट के फॉर्म में है और सारा आपका सही है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 4 जीरो खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है, पावर में 10 की पावर में। तो अब जब इसको कटाओगे और सारा चीज़ सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1.6, और भी इसके साथ है पर हम लोगों को ज़्यादा पॉइंट से मतलब नहीं है, 1.6 इंटू 10^-2, ठीक है, यहाँ पे आप इसको करोगे तो -6 + 4 तो -2 हो जाएगा, और जब आप 1.72 और 1.07 इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 1.6। तो यहाँ आपका 1.6 इंटू 10^-2 ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में आपका है या नहीं है, ये देखो ऑप्शन ए आपका है 1.6 इंटू 10^-2 ओम, ये हो गया इसका टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे, इम्पोर्टेंट चीज़ आपका फॉर्मूला था वो होता है टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होता है आपका टोटल रेजिस्टेंस अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन डैश है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा न्यू टर्म्स है, अब ये आपको याद रखना है कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन डैश है। मैं इसको अच्छे से डिफाइन करके बोलता हूँ, बोला ये जा रहा है कि अगर एक चालक यानी कंडक्टर के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट होता है तो उसके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को उस चालक का क्या कहते हैं, यही बोल रहा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 1 डिग्री आप टेम्परेचर अगर इसका बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा यानी ओम परिवर्तन वही हुआ, रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिरोध का, सॉरी उसका प्रतिरोध का ताप गुणांक, क्या बोलते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक, क्या बोलते हैं उसको
प्रतिरोध का ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशियंट। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध का ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशियंट, ये आप याद रखो, ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा न्यू हो। फिर से आप एक बार सुन लो कि टेम्परेचर कोफिशियंट होता क्या है। अगर आप चालक यानी कंडक्टर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाओगे तो जो उसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, अब मैं चेंज बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा, हो सकता है इंक्रीमेंट भी हो सकता है डिक्रीमेंट भी हो, कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा उसी को हम लोग उसका बोल देंगे प्रतिरोध का ताप गुणांक, ठीक है, यानी टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका यहाँ से डेफिनेशन क्लियर हो गया, लेकिन अभी आपका सारा डिटेल पूरा नहीं हुआ है। अब आप देखो यहाँ से आपको इसका एक फॉर्मूला है जो याद रखना है, इससे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या फॉर्मूला क्या है जो आपको याद रखना है? तो फॉर्मूला ये है कि आपने क्या कर आपने यहाँ पे क्या किया, आपने रेजिस्टेंस को भी चेंज किया है और फिर टेम्परेचर को भी चेंज किया है। इससे एक रिलेशन ये बनता है कि आप अगर कोई भी चीज़ लेते हो 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर आप मान लेते हो आर ओ, क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर है आर ओ, और आपने क्या किया, आपने उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया, यानी अब जो आपका फाइनल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसके पश्चात उसका प्रतिरोध जो है क्या हो जाता है, आर टी हो जाता है, क्या हो जाता है, आर टी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका टेम्परेचर जो था वो आर ओ था, अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने उसको गर्म किया और इसका टेम्परेचर आर टी हो गया। तो प्रतिरोध में उत्पन्न यह परिवर्तन चालक के प्रारंभिक प्रतिरोध तथा तापमान में हुए वृद्धि पर निर्भर करता है, यानी प्रारंभिक प्रतिरोध जो था यानी इनिशियल रेजिस्टेंस जो था और तापमान में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है इसी पर निर्भर करेगा उसमें जो अभी अभी का जो रेजिस्टेंस होगा यानी 8%, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला है आर टी माइनस आर ओ इक्वल टू अल्फा आर ओ इंटू टी, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर कोफिशियंट से रिलेटेड। आर टी आपने देखा क्या था, आर टी आपका था जो फाइनल टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस है, माइनस आर ओ जो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर था, और अल्फा यहाँ पे क्या है, ये अल्फा ही आपका है टेम्परेचर कोफिशियंट, क्या है, टेम्परेचर कोफिशियंट, और आर ओ आपका इनिशियल जो रेजिस्टेंस था वो है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और टी जो टाइम आपने उसमें दिया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को मिलाकर आप एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, आर टी माइनस आर ओ इक्वल टू अल्फा इंटू आर ओ इंटू टी, ये आपको याद रखना है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहीं से अगर आप इसको डिड्यूस करना चाहो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर ओ अपॉन आर ओ इंटू टी, ये चीज़, ठीक है, उसी को आप कन्वर्ट करके यहाँ ले सकते हो, अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर ओ अपॉन आर ओ इंटू टी। देखो ये जो तीन फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ तीनों एक ही चीज़ है, आपको अलग अलग फॉर्म में ये पूछा जा सकता है आसानी से, ठीक है, तो उससे आप यहाँ पे आना बहुत कठिन नहीं है, आपने बस आर ओ इंटू टी को नीचे कर दिया, अल्फा को एक्साइड कर लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अल्फा यानी टेम्परेचर जो कोफिशियंट है ये अगर पॉजिटिव आया तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव अगर आया इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन अल्फा अगर निगेटिव आ गया इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशियंट पे इसका वैल्यू डिपेंड करेगा, अगर ये पॉजिटिव आता है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और अगर निगेटिव आता है इसका मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है टेम्परेचर के साथ। अब कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है रेजिस्टेंस घटता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मल जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है, नॉर्मल जो कंडक्टर हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडक्टर हैं जिसका रेजिस्टेंस घटता है, वो आपको अगर कहीं पे आ गया तो फिर मैं बताऊंगा। अभी जो आपको याद रखना है वो क्या है, वो है सेमी कंडक्टर, क्या है, सेमी कंडक्टर, इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घटता है। और आपका दूसरा इसमें एक और आप ऐड कर लो, ये पहली तक पहले मैंने सेमी कंडक्टर ही सिर्फ बताया था, अभी मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसका भी टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घटता है। तो अभी दो चीज़ों को नोट डाउन कर लो कि नॉर्मल कंडक्टर का क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन
इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी जनरेटर के फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ओम है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध कितना होगा, जबकि तांबे का ताप गुणांक अल्फा इक्वल टू 0.0043 प्रति सेंटीग्रेड है। देखो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला वगैरह ऊपर पे बताया उसी का जस्ट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे। आपको ऊपर क्या था, आपको ऊपर पूछ रहा था वो डायरेक्ट डेफिनेशन दे दिया गया था, आपको पूछ रहा था वो क्या है, आपने बताया वहाँ पे प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल पूछ रहा है जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। वो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मैंने क्या बताया था, अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर ओ अपॉन आर ओ इंटू टी, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया था, जहाँ पे अल्फा क्या होता था, अल्फा होता था आपका टेम्परेचर कोफिशियंट, आर टी होता था जो टेम्परेचर अभी आपको दिया हुआ है उस पर जो रेजिस्टेंस है यानी इंक्रीज टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, और आर ओ क्या होता था, ये होता था 0 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस, और आर ओ वही चीज़ है आर ओ इंटू टी यानी अभी का टेम्परेचर यानी इंक्रीज टेम्परेचर, ये आपका फॉर्मूला था। बस देखो जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने पहले बोला है आपको और अभी भी बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं वो बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो सिर्फ आप अगर फॉर्मूला अच्छे से यूज़ कर पाओ तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अगर ये फॉर्मूला आपको अगर नहीं आता अभी तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत टफ था, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो ये न्यूमेरिकल्स कितना ईजी है। अब देखो जस्ट यहाँ पे आपको बस पुट करना है और कुछ नहीं, तो आपको अल्फा, अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशियंट जो था वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.0043, ठीक है। उसके बाद आर टी, आर टी आपको निकालना है तो आप आर टी को आर टी ही रख लो, माइनस अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका रेजिस्टेंस था वो दिया हुआ है 50 ओम दिया हुआ है ना, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 50 ओम इंटू अभी का टेम्परेचर यानी इंक्रीज टेम्परेचर, तो इंक्रीज टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, बस यहाँ से आपको एग्जीक्यूट करना है अब इसको। तो आप अगर यहाँ से इसको पॉइंट को हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से 50 का ये दोनों जीरो हटा दो, ये दोनों जीरो कट गया, अब ये 25 हो गया, 5 5 25 और यहाँ पे 2500 यानी आपका ये 4 हो गया, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 10.75 होगा ना, 4 से आप अगर 43 को डिवाइड करो तो 10.75 होगा। अब बस 50 को इधर लेते आओ तो आपका क्या हो जाएगा फाइनल, फाइनली आपका हो जाएगा आर टी इक्वल टू 10.75 था ना हमारा, 10.75 प्लस उधर से 50 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू 60.75 ये हो गया ओम, ठीक है, ये ओम इतना यानी अभी का रेजिस्टेंस ये होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट किया आपका आंसर आ गया, तो देखते हैं अब ऑप्शन में ये है या नहीं है, ऑप्शन में होना तो चाहिए, जब अगर आंसर हमारा आया तो ऑप्शन में भी जरूर होगा। यहाँ देखो आपका ऑप्शन ए जो है वही है, सॉरी ए नहीं बी, आपका ऑप्शन बी है 60.75 ओम, यही है आपका करेक्ट आंसर। अच्छा ये तो वो आपका बेसिक जहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका टेम्परेचर दिया हुआ हो, अब जब आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ना देके आपको एक टेम्परेचर T1 दे दिया, दूसरा टेम्परेचर T2 दे दिया, तो आप क्या करोगे, तो फिर आप सेम फॉर्मूला को यूज़ तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही टेम्परेचर पुट कर रहे हो और दूसरा वाला जीरो ले रहे हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होगे इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला आपका क्लियर है, आपका जो टेम्परेचर कोफिशियंट का मैंने बताया अल्फा इक्वल टू आर टी माइनस आर ओ अपॉन आर आर ओ इंटू टी, ठीक है। अब आप लिखो दूसरा एक फॉर्मूला लिख लो, ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें अगर दो टेम्परेचर दे दिया है यानी आर ओ के जगह वहाँ पे आपको आर टी दे देगा, यानी क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे अभी अभी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि तांबे की एक कॉइल का 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको प्रतिरोध दिया था, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं दे के मान लो कुछ टेम्परेचर दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद उसका आपको कोफिशियंट दिया हुआ हो
और फिर दूसरा टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पे उसका पूछ रहा हो क्या रेजिस्टेंस होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लो कि RT2, यहाँ पे मैंने बताया ना दो टेम्परेचर रहेगा, तो आप लिख लो RT2 इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपके लिए न्यू भी हो सकता हो, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा अगर आपको इसे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं तो, क्योंकि अगर ये याद रहा, अगर आ गया, देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर कोफिशियंट से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इजी क्वेश्चन देगा तो फिर पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट किया, अब इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं करेगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वो ट्रेड में हाई लेवल में नहीं लेके जाएगा, इससे हाईएस्ट वो जा भी नहीं सकता है, ठीक है। यहीं पे आपको मैक्सिमम ये पूछेगा, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो RT2 इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2, 1 प्लस अल्फा इंटू T2 और अपॉन 1 प्लस अल्फा T1, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा अगर आप दो टेम्परेचर ले रहे हो। यहाँ पे देखो हम लोगों ने 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ नहीं लिया है, हम लोगों ने दो टेम्परेचर को पुट किया है। अब यहीं पे आप 0 डिग्री सेल्सियस को पुट कर देते हो तो आपका ये कट जाता है और फिर आपका वो वाला इजी वाला फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप T1 को पुट करोगे, T1 0 है तो यहाँ से 0 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो फिर आप वही वाला फॉर्मूला आपका अल्टीमेटली पहुंच जाता है जो आपने पहले देखा था। इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। फिर से एक बार आप सुन लो, RT2 इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1। देखो जब आप इसको एग्जाम्पल से एग्जीक्यूट करोगे तब फिर आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तब डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ, सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था उसी क्वेश्चन में मैं आपको दो टेम्परेचर दे देता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में जो मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आप देखो टेम्परेचर दो तरह का यूज़ किया गया है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, तांबे की एक कॉइल का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 450 ओम है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस कितना है 450 ओम। यदि तांबे का ताप गुणांक 0.0043 प्रति सेल्सियस हो, यानी हर एक सेल्सियस पे इसका जो ताप गुणांक होगा वो कितना होगा, वो होगा 0.0043। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये सब तो इसका यूनिट है, तो आपको टेम्परेचर कोफिशियंट यहाँ से मिल गया 0.0043। तो आपको बोला जा रहा है कि 70 डिग्री सेल्सियस पे उस कॉइल का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो पहला टेम्परेचर आपका 20 डिग्री, दूसरा है आपका 70 डिग्री। अब यहाँ पे आपको 0 डिग्री कहीं नहीं दिया हुआ है, अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा बनाने में। तो जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया आप उसको इम्प्लीमेंट करो। क्या बताया मैंने अभी फॉर्मूला आपको, अभी मैंने बताया था कि RT2 जो आपको पूछा जा रहा है कि 70 डिग्री सेल्सियस पे उस कॉइल का प्रतिरोध कितना होगा, तो कितना होगा इसका फॉर्मूला होता है RT2 इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2। बस एक बार या दो बार आप इसको अच्छे से दो बार तीन बार लिख लो तो फिर आपको याद हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू T1 क्या होता है, RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 अपॉन 1 प्लस अल्फा T1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे यूज़ कैसे करोगे, आप इसमें बस इसको वैल्यू को पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं यहीं पे बनाता हूँ, देखो RT2 जो आपको निकालना था, RT2 ये इक्वल टू, अब यहाँ पे RT1 क्या दिया हुआ है आपका, RT1 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T1, ये आपका है 450, है ना। उसके बाद आपका क्या था, 1 प्लस अल्फा, अल्फा आपका क्या दिया हुआ है 0.0043, है ना। इसके बाद आपका टेम्परेचर 2 क्या है इंटू 70। थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका, लेकिन आपको समझ के बनाना है। इंटू 70 अपॉन आपका क्या था, अपॉन था 1 प्लस अल्फा इंटू T1, 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या है 0.0043 इंटू T1 था आपका 20, हो गया। बस आप इसको आप सॉल्व करो,
देखो अब ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन है इसलिए आप नहीं करोगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैलकुलेशन वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपको वहां पे कोई बहाना नहीं मिलेगा। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, बस 0.0043 × 70 ये है, तो इसलिए आपको देख के ज्यादा बड़ा लग रहा है। एक टर्म अगर जीरो है, दूसरा तो सिंगुलर टर्म हो गया, आप उसको आसानी से गुना कर सकते हो। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Rt2=450 × 1.301/1.086। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको तो करना तो है ही। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा Rt2=539.09, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन इजी है, और इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा। अगर आपको जैसे यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल जो तापीय गुणांक है यानी टेम्परेचर कॉफिशियंट है, अगर ये दे दिया तो ये जनरली इसी टाइप का होता है, इसलिए आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पूछा जाएगा, लेकिन ये भी पूछे जाने के चांसेस हैं, इसलिए आपको तो आना ही चाहिए। अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स नहीं आया तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, तब क्या करोगे आप, तब तो आप ये सोचोगे कि अगर पढ़ लेते तो ठीक रहता, इसलिए आप इसको अच्छे से फॉर्मूला को याद कर लो और एग्जीक्यूट करने का कोशिश करो, उसको फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप कर ना पाओ। ओके, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है, सुचालक पदार्थ कौन सा यानी बेस्ट कंडक्टर कौन सा पदार्थ होता है। तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से ही आपको चुनना है कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो बेस्ट कंडक्टर यहाँ कौन सा है, यहाँ आपका ग्रेफाइट, ठीक है, चीनी मिट्टी, रेजिन, ग्रेफाइट, तो इसमें से बेस्ट कंडक्टर है ग्रेफाइट। चालक के प्रदत्त आकार के लिए ताम्र की तुलना में एल्यूमिनियम में चालकता लगभग कितना होता है। अगर आपको तांबा यानी कॉपर और एल्यूमिनियम का चालकता को यानी कंडक्टेंस को कंपेयर करना हो तो ताम्र की तुलना में यानी तांबा के तुलना में एल्यूमिनियम का कंडक्टेंस कितना होता है, ये होता है ऑलमोस्ट 60%। कितना होता है, 60%, यानी कि एल्यूमिनियम का कंडक्टेंस तांबा के कंडक्टेंस से कम होता है, लगभग 60% होता है। अगला है आपका विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है, यानी कौन सा एक कंडक्टर नहीं है, जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से कंडक्टर कौन सा नहीं है, ये है आपका सीसा यानी लेड, लेड कंडक्टर नहीं है, और आपका सब कुछ कंडक्टर है, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब कंडक्टर है। पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो क्या बोला जा रहा है, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण यानी किसी भी मटेरियल का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। देखो बस आपको वर्ड में ये फंसा रहा है, आप जानते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो उसका हम लोग उसको बोलते हैं चालकता, क्या बोलते हैं, चालकता यानी कंडक्टेंस, ठीक है।